हिल से उतरने के बाद, मातंग हिल से, मातंग पर्वत से उतरने के बाद, अभी यहाँ पे हम लोग हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़े नंदी जी हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ नंदी जी के बारे में। नंदी जी बहुत काफ़ी बड़े नंदी जी हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट दिखाता हूँ आपको, ये है नंदी जी। नंदी जी का नाम एक शिला नंदी आपको दिखाया, सांसें फूल रही है यार। और आगे भी है, आगे भी दिखाता हूँ आपको मैं। चलते हैं, हैं विठला मंदिर, यस याद आ गया। आगे जो हम जा रहे हैं ना, वो विठला मंदिर है। विठला मंदिर जा रहे हैं अपन, विठला मंदिर। विठला मंदिर जब हम लोग ऊपर थे और ऊपर से जो टेंपल्स दिख रहे थे ना, हम लोग उन्हीं टेंपल्स को विजिट करने के लिए जा रहे हैं। उसमें दो टेंपल मेजर थे, एक विठल टेंपल और एक कोई टेंपल है, बट मुझे विठल वाला याद है, जो अभी तक याद नहीं था, अभी भाई ने याद दिलाया तो याद आ गया। और एक और टेंपल है, तो वो भी विजिट करेंगे, तो उसका भी नाम बताऊंगा जब उसको देखता हूं। तो अभी ये छोटा सा टेंपल सामने दिख रहा है, क्या टेंपल है ये पता नहीं, देखते हैं। चलो, जगह बहुत ही पीसफुल है यार, यहाँ पे आओ, टेंट वेंट लगाओ, मस्त खाना पकाओ और स्टिल लाइफ को एंजॉय करो, आपको दही बोलेगा। गाइस यहाँ पे लगा है ताला, और ये टेंपल हनुमान जी का टेंपल है, ये हनुमान जी का टेंपल, ये हनुमान जी का टेंपल है, हनुमान जी का टेंपल इधर बना हुआ है। बट जो विठल मेन टेंपल है, जो बड़ा टेंपल है, वो आगे होगा, ये छोटा सा टेंपल बना रखा है इन्होंने। बहुत ही सुंदर हिल है, एक्चुअली काफ़ी बड़ा हिल है, बहुत बड़ा हिल है। मैं आपको दिखाता हूँ उधर, देखिए हम लोग वहाँ ऊपर पीक पे थे, उतनी दूर ऊपर पीक पे, और अब जा रहे हैं। टेंपल के करीब पहुँच गए हैं, यही वो ऊपर से जो स्ट्रक्चर दिख रहे थे, यही हैं, ये टेंपल्स हैं, यही टेंपल्स के स्ट्रक्चर्स हैं। बहुत ही एशियंट, बहुत ही प्राचीन जगह है, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। मैं अपना जैकेट उतार देता हूँ, ठीक है, बहुत लग रही है गर्मी। सॉरी, परमिशन होना है। अच्छा, हाँ बटली मोबाइल पर वीडियो कर दो, कर लो, स्टिकर वगैरह तो परमिशन होना है। ये स्टैंड के लिए? हाँ, स्टैंड के लिए परमिशन। स्टैंड में क्या है? हरक बोल दिए सर, ठीक है, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ कि चलो कैमरा है तो सर, कैमरा नहीं आता सर, ऐसे स्टिक का परमिशन है, टाइपर स्टैंड का परमिशन होना है, परमिशन लेता है, परमिशन दिया तो कर लो, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कैमरा अलाउड है? हाँ, कैमरा अलाउड है, स्टिक का अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। नहीं, मैं अंडरस्टैंड, मैं नहीं, हाँ यूज़ करूँगा, आई एम टोटली एग्री, बट ये ऐसा क्यों होता है, क्यों अलाउड नहीं होता है, कोई रीज़न है उसका, बिहाइंड एनी रीज़न? आप इसमें पूछना है, यस आई आप ही से था ना, नहीं तो एक बार आप प्लीज़, जैसे कि मैं हूँ, आप मुझे मना करेंगे तो मैं पूछूंगा ना भाई क्यों। हाँ बोल रहे हैं, कैमरा क्या बोल रहे हैं सर, तो ट्राइपॉड में ऐसा क्या लगा हुआ है, इसमें कुछ मतलब कुछ लगा है कि ऐसा क्या होता है, क्यों अलाउड नहीं होता है, वो मुझे जानना है बस, और कुछ नहीं बोल रहे ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग जाने कि क्यों ऐसा होता है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि यार कैमरा अलाउड है,
ये अलाउड है, लेकिन बोल रहा हूँ सर, मेरा ड्यूटी मैं बोल रहा हूँ, बोल दिया मैं बोल रहा हूँ, मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ, आपकी ड्यूटी है, इसको मैं बंद करने वाला हूँ आपके सामने ही, और ये हम लोग ट्राइपॉड से निकाल दूंगा इसको, ठीक है, हाथ में डाल लूंगा, ऐसे रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन मुझे बस ये जानना है और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप पता कीजिएगा कि क्यों इसमें ऐसा क्या बॉम्ब है, क्या है, क्यों इसको मना करते हैं आप लोग, आखिर रिकॉर्ड तो करने के लिए भाई इसमें क्या बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं स्नाइपर चैनल का अलाउड नहीं है, परमिशन लिया तो आपको करना, ठीक है, चलो ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, क्लोज कर दो इसको, बंद कर दो। जिनसे मैं बात कर रहा था उनसे ऑफ कैमरा मैंने बात की, तो उन्होंने बोला कि वो भी जॉब कर रहे हैं अपनी, उनकी भी जॉब है, तो उन्होंने बताया कि ट्राइपॉड विद माइक अलाउड नहीं है, जस्ट कैमरा और फ़ोन से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फिर मैंने पूछा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं एक जगह था ना बदामी केव्स में, वहाँ भी उसने रोका, वहाँ तो मैंने उसको झूठ बोल दिया कि हाँ मेरे पास परमिशन है और मैं लेके आ गया था ट्राइपॉड, है ना, और मेरे पास कैमरे का वहाँ पे परमिशन भी था, पता नहीं क्यों वो लोग बोल रहे थे कि ट्राइपॉड अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं, वो अलाउड नहीं है, तो वो मुझे पता नहीं है। मैं इनसे बात किया तो ये भी कैमरे बता नहीं पाए, फिर मैंने जब इनसे ऑफ कैमरा बात किया तो उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट है, ऑफिस वाले ऐसे ही बोलते हैं, बट आप थोड़े से अच्छे लग रहे हो, मैं अच्छा हूँ भी, तो काफ़ी हम्बल लग रहे हो, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया, उन्होंने बस ये बोला कि कहीं पर ट्राइपॉड को रखना मत नीचे। मैं कहा नहीं नहीं यार, मुझे तो वैसे ही व्लॉग करना है और मेरा ये ट्राइपॉड हाथ में रहेगा, तो अभी हाथ में ही रख के व्लॉग करना है अपने को, तो आप देख लीजिए नज़ारा। टेम्पल में किसी की मूर्ति नहीं है, जस्ट ऐसे ही टेम्पल है, स्ट्रक्चर है इसके टेम्पल का, कोई मूर्ति वगैरह नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है टेम्पल का। तो मुझे लगा था कि जैसे कि हमने देखा था पहले उधर एक हनुमान जी की मूर्ति थी, तो ऐसा कुछ होगा, बट कोई मूर्ति नहीं है, जस्ट सिंपल स्ट्रक्चर बना रखा है और यही है। बहुत ट्रैकिंग करने के बाद एक जगह पर पहुँचे हैं, लेक है ये, बहुत ही लेक लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है लेक, कुछ नाश्ता भी मिलता है शायद, करेंगे देखेंगे, नाश्ता भी करेंगे, मैं आपको लेक दिखाता हूँ। ओहो ये अच्छा, यहाँ पे टेंपल है, यहाँ पे टेंपल है, टेंपल आपको दिख पा रहा होगा, सो टेंपल, और टेंपल के पीछे है पानी का स्टोरेज, आई थिंक ये लेक नहीं लगता है, लेक है शायद, ये लेक ही है, देखिए आप लोग, आगे निकलते हुए दूसरे टेंपल की तरफ जा रहा हूँ, और ये भी गुफाओं के रास्ते जैसा है, गुफा गुफा होते हुए निकल रहे हैं, ये भी कोई टेंपल है, हर हर महादेव। तो देखिए आप लोग, सिंगल दिन है
भाई तो हमारा मार बिसर का देते हैं बिसर बिसर अंदर जा भाई आप बड़े मार दिया अभी कितना और टेंपल है हरीश ये देखिए बोट में बोट चल रही है मतलब मैं कितनी तारीफ करूं मैं ऑलरेडी बहुत तारीफ कर चुका हूं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है जगह बहुत ही ज़बरदस्त है यार मातुंग पर्वत मैं बोलूंगा गाइस आप सभी लोग आइए मातुंग पर्वत देखिए मातुंग पर्वत को बहुत ही ज़बरदस्त है बहुत एक्चुअली मातुंग पर्वत और हम्पी को एक्सप्लोर करने के लिए एक दिन चाहिए कम से कम और एक दिन का टाइम तो कम से कम चाहिए चाहिए हम लोग बहुत हरी में है हमको अभी निकलना है चित्रदुर्गा हम लोग वहाँ निकल जाएंगे और यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा लिटरली मैं सच कह रहा हूँ मुझे यहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है बट शेड्यूल अपना बहुत टाइट है 13 दिन का शेड्यूल है और काफ़ी लंबी ड्राइव करनी है अभी और करना है तो जाना ही पड़ेगा निकलना ही पड़ेगा अब एक टेम्पल रह गया है वो टेम्पल देख के मैं निकलने वाला हूँ लोग मुझे व्लॉगिंग करते हुए देखते हैं नोटिस करते हैं कुछ लोग मुस्कुराते भी हैं कुछ लोग बहुत ही वियर्ड तरह से दिखते हैं और एक और फीचर है मेरे अंदर ठीक है वो आपको शायद वीडियो में देखेगा तो उसको भी देख के बहुत गॉसिप चलता है गॉसिप लोग करते हैं तो खैर उस गॉसिप सब में कोई मतलब नहीं है हम तो एंजॉय कर रहे हैं क्या बात है साइकिल भी हो रही है बस माउंटिंग पे एक नंबर चलो हाय गाइस हाय गाइस हाउ आर यू वेरी गुड सारे गाइस अच्छे हैं वही माउंटेन पे साइकिलिंग है ये हम लोग ट्राई नहीं करने वाले हैं बॉस इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि हम लोग माउंटेन्स पे अब साइकिलिंग ट्राई करें बट काफ़ी यूथ यहाँ पर है सब लोग बहुत मज़े ले रहे हैं ये देखा था कभी हाँ ये ना ये एक्चुअली वो बच्चे जो बनाते हैं घर टाइप का ये क्यों बनाता है कहाँ शिव मंदिर है वहाँ दिखता रहता है अच्छा नहीं ये मैंने कभी नोटिस नहीं किया जहाँ शिव मंदिर है वहाँ दिखता है ओके गाइस इन लोगों से मिलिए एक का नाम रामू श्यामू ग्यामू धामू रमेश सुरेश गणेश सभी लोग यहाँ पर हैं इसमें से एक आध हरीश भी है हरीश को गाइस आप ठीक है पहचानिए और टैग कीजिएगा ठीक है कमेंट कीजिए इसमें आपको हरीश कौन दिख रहा है हम लोग अपनी ढूंढ रहे हैं बाइक या पता नहीं कहाँ पार्क की थी एक्चुअली पार्क की थी फिर दूसरे रास्ते से गए थे फिर दूसरे रास्ते से आ गए अभी पता नहीं किधर है देखना पड़ेगा बहुत लेट हैं एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी लेट हैं हमको हम्पी एक्चुअली हम्पी नहीं अब हमको ना कहीं और ही कल तक पहुंचना था बट अभी हम्पी तक ही पहुंच पाए हैं अभी ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर हम लोग एज़ पर शेड्यूल के हिसाब से डिले चल रहे हैं और मॉर्निंग में हमने काफ़ी मस्ती कर ली है मातुंग पर्वत पे तो ऑलरेडी बहुत डिले हो चुके हैं और बहुत ही भूख लगी है यार ये हरीश को मालूम नहीं है मुझे बहुत ही भूख लगी है कहीं नाश्ता करते हैं बस